बेद भी कहता है द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया सामनम परिखस्व जाते तयरन्य स्वाद्वत्य स्वाद्य नन्यो अभिचाकशीति श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का छठवा वृक्षे पुरखो निमग्नो नीशया शोचति मुह्यम जुष्टम यदा पश्यतन महिमान मिथिवीत शोक श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का सात्मा मंत्र यानी हमारे हृदय में दो पर्सनैलिटी है सदा एक हम जीवात्मा और एक हमारी पीठ की तरफ पीछे भग परमात्मा भगवान तो ये जीवात्मा कर्म करता है प्लस कर्म का फल भोगता है लेकिन ये जो परमात्मा है ये केवल उस जीवात्मा को देखता रहता है ये दृष्टा है ये कर्म का फल नहीं भोगता उससे अलिप्त है ये वेद भी कह रहा है तो हमारे दुख से क्या भगवान दुखी होते हैं जिस प्रकार जीव को दुख होता है मायाबद्ध जीव से मेरा मतलब है यहां पर तो इसका उत्तर मिला कि नहीं वो दुख भगवान को स्पर्श नहीं करता तो अब आप लोग समझ गए कि हम भगवान के अंश हैं लेकिन एक बात और एक शंका आती है दिमाग में जब ये सुनते हैं कि हम भगवान के अंश हैं तो कि जी भगवान के क्या टुकड़े हुए हो सकते हैं तब अंश बने क्योंकि अंश माने तो टुकड़ा होता है भाई जैसे ये तौलिया है रुमाल है इसका हमने काट के एक टुकड़ा कर दिया अलग तो वो इस तौलिए का एक टुकड़ा कहलाएगा अंश कहलाएगा तो क्या ऐसे ही भगवान के टुकड़े हुए कि उससे ये अंश बन गए इतने सारे भगवान के अनंत अंश भगवान के अगर टुकड़े होंगे तो भी भगवान तो फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि अनंत जीव है अनंत टुकड़े निकले उसमें से ऐसा कैसे होगा और फिर टुकड़े होंगे कैसे अरे जो भगवान का अंश है जीव उसी को का कोई टुकड़ा नहीं कर सकता उसी को नहीं कोई छेद सकता अच्छेद्यो यमदाह्यो येद्यो शोष्य एव च गीता दूसरे अध्याय का चौबीसवा श्लोक जीव ही अच्छेद्य है अभेद्य है तो भला भगवान के टुकड़े कैसे हो सकते हैं और फिर भगवान तो ऐसा परिपूर्ण है कि वेद कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेंशिष्य उसमें से पूर्ण भी निकालो तो भी पूर्ण बचता है उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं तो फिर ये क्या मतलब है ये कहने का कि जीव भगवान का अंश है देखिए बलदेव विद्याभूषण का भाष्य है गोविंद भाष्य ब्रह्म सूत्र का उसमें उन्होंने लिखा है ये बात कि नच टंक छिन्न पाषाण खंडवत तत्नस तत्खंडो जीव अछेद्यत्व शास्त्र व्याकोशाथ विकाराद्या प्रत्ये अर्थात छेनी द्वारा तोड़े गए पत्थर के टुकड़े की तरह जीव भगवान का अंश नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो ब्रह्म विकारी सिद्ध होगा जबकि ब्रह्म सदा निर्विकार सिद्ध है उसमें कोई विकार नहीं आ सकता फिर बाद में वो कहते हैं इसका उत्तर देते हुए कि अंश क्यों कहा जाता है जीव को आगे उन्होंने लिखा है कि तत्वम चतस्य तत्शक्त सिद्धम यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है इसका क्या मतलब तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया है उन्होंने कहा देखो किसी वस्तु का एक देश ही उसका अंश हो सकता है तो ये जीव जो शक्ति है भगवान की ये ब्रह्म का उस शक्तिमान का एक देश है इसीलिए ये जीव ब्रह्म का अंश है उसके साथ अविच्छेद भाव से संयुक्त है जीव गोस्वामी जी ने भी कहा है तत्र शक्ति रूपत्वे नई वन सत्व व्यंजयती परमात्म संदर्भ में लिखा है उन्होंने यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है तब तो एक प्रश्न है कि ये जीव भगवान की किस शक्ति का अंश है तो भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं लेकिन तीन शक्तियां प्रमुख हैं विष्णु पुराण में कहा गया विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते तीन शक्तियां प्रमुख हैं गौरांग महाप्रभु ने भी कहा कृष्णेर अनंत शोक्ति ताते तिन प्रधान शोक्ति जीव शोक्ति माया शोक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे अंतरंगा स्वरूप शोक्ति सवार ऊपरे चैतन्य चरतामृत यानी वैसे तो अनंत शक्ति है क्योंकि भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है। लेकिन तीन शक्तियां प्रमुख है एक चित्त शक्ति इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं पराशक्ति भी कहते हैं योग माया शक्ति भी कहते हैं और एक माया शक्ति और एक तटस्थ शक्ति जीव शक्ति ये तीन शक्तियां प्रमुख हैं तो इनमें से किस शक्ति का अंश है ये जीव स्वरूप शक्ति का अंश नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यदि हम भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश होते तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी होता भगवान सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है तो ये सब चीजें हमारे अंदर भी होती लेकिन हम तो इसके ठीक उल्टे वो सर्वशक्तिमान है हम हम अल्पशक्तिमान है वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं वो सर्व व्यापक है हम केवल अपने शरीर में व्याप्य है व्यापक है और भी तमाम अंतर हैं भगवान में और हम में और फिर सबसे बड़ी बात भगवान जिस प्रकार सच्चिदानंद है नित्य आनंदमय हैं, नित्य सर्वज्ञ है हम लोग अज्ञान युक्त हैं अनादिकाल से और दुखी हैं सदा अरे और चीजें भगवान की ना होती हमारे पास चलो कोई बात नहीं एक चीज तो कम से कम होती आनंद जो भगवान के पास है वो हमारे पास होता हम और चलो किसी चीज की कामना नहीं करते केवल एक आनंद नाम की चीज जो भगवान के पास है वो तो आ जाती हमारे पास कम से कम फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं किसी संसार की प्रॉपर्टी की स्त्री पति बाप बेटा किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती उसके बाद क्योंकि इन सब चीजों को ही जो कूड़ा कबाड़ा का ढेर हम लोग बटोरते हैं वो क्यों बटोरते हैं आनंद पाने के लिए ही तो बटोरते हैं भूतानां नृपस्वात्म वल्लभ इतरे पत्य यही भागवत दसवें स्कंद के चौदहवें अध्याय का पचासवां श्लोक वेदव्यास कहते हैं कि जो कुछ भी जीव चाहता है जो जो कामना बनाता है मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए स्त्री पुत्र धन प्रतिष्ठा आदि ये सब केवल आनंद के लिए ही तो चाहता है कि इनके द्वारा सुख मिले आनंद मिले तो अगर आनंद दे देता भगवान हमको तो हमें किसी चीज की जरूरत ही ना पड़ती हम भागते क्यों पागल सरी के फिर संसार की वस्तुओं के पीछे यानी एक भी चीज हमारे पास नहीं है जो भगवान के पास है हम उसके उल्टे इसीलिए भगवान की, की स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते वरना वो सारी बातें हमारे अंदर होती जो भगवान के अंदर है भले ही हम अंश हैं देखो जैसे पारस है कोई दस करोड़ मन का पारस हो वो भी लोहे को सोना बनाएगा और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हो उसको भी लोहे से छुआ दो तो सोना बनेगा गुण तो वही होगा उसके अंदर भी अंश के अंदर भी देखो समुद्र है तो सारा समुद्र कैसा है नमकीन अब उस समुद्र से हमने एक गिलास पानी ले लिया ये एक गिलास पानी उस समुद्र का अंश है तो इस अंश में भी तो वही गुण होंगे ना जो पूरे समुद्र में होंगे जैसे समुद्र का पानी पूरा नमकीन है ऐसे ही हमने एक गिलास पानी लिया वो भी वैसे ही नमकीन नमकीन होगा अरे अमृत की एक बूंद पिए कोई तो भी अमर होगा और चाहे एक किलो पी ले तो भी एक लीटर पी ले तो भी अमर होगा गुण तो अंश में भी वही होगा जो अंशी में होगा और यहां सब कुछ उल्टा है इसीलिए स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते तो क्या हम माया शक्ति के अंश हैं भगवान के नहीं ये कैसे हो सकता है माया शक्ति के अंश अरे माया तो जड़ है और हम लोग तो चेतन है माया शक्ति के अंश हम कैसे हो सकते हैं अगर माया शक्ति के हम अंश होते हैं तो हम जड़ होते और हम तो चेतन हैं और नित्य चेतन हैं हम तो हम माया शक्ति के अंश कैसे हो सकते हैं जैसे मान लो हारमोनियम रखा है सामने ढोलक रखी है सामने अब कोई आपकी तुलना करे जी आप ऐसे बैठे हैं जैसे ढोलक बैठी है जैसे हारमोनियम बैठा है तो लोग कहेंगे क्या बेवकूफी की उपमा दे रहे हो हम ऐसे बैठे हैं जैसे हारमोनियम बैठा है अरे हारमोनियम तो जड़ चीज है और और हम हम तो चेतन हम तो चेतन हैं हैं बैठे है, और प्रवचन भी सुन रहे हैं देख भी रहे हैं हम खड़े भी हो सकते हैं बोल भी सकते हैं सोच भी सकते हैं जान भी सकते हैं लेकिन ये सब चीजें उस हारमोनियम में कहा है उस ढोलक में कहा है वो तो जड़ चीज है तो ऐसे ही माया जड़ चीज है जड़ शक्ति है और हम चेतन हैं, इसीलिए हम माया के अंश नहीं हो सकते भगवान की जो माया शक्ति है उसके अंश भी नहीं है तो फिर हम किसके अंश हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को माया लग गई तो भगवान की जो माया लगी अवस्था है उसके अंश हों हम तो तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था कि ब्रह्म के ऊपर तो माया हावी हो ही नहीं सकती असंभव है क्योंकि माया जड़ शक्ति भग, भगवान की शक्ति को पाकर के ही शक्ति मती होती है कोई वर्क करती है तो भगवान के ऊपर कैसे हावी हो जाएगी मैंने आपको चिमटे का उदाहरण दिया था कि हाथ की शक्ति को पाकर के चिमटा सब वर्क कर रहा है तो जिस हाथ की शक्ति को पाकर के वो जड़ चिमटा वो गरम गरम चीजों को पकड़ रहा है सब काम कर रहा है वो चिमटा शक्ति देने वाले उस हाथ को कैसे पकड़ लेगा असंभव है तो ऐसे ही माया ब्रह्म पर हावी कैसे हो सकती और अगर एक बार हावी हो गई इसका मतलब हम माया से छुटकारे का प्रयत्न करेंगे वो फिर हावी हो जाएगी तो फिर इतनी मेहनत करो माया से परे जाने की इसका सेंस क्या रहेगा फिर फिर सारे शास्त्रों वेदों का सेंस क्या है तो इसीलिए ये तो बड़ी हंसी की बात है ये तो असंभव है ये तो हो ही नहीं सकता तो देखिए हम स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं है और माया शक्ति के भी अंश नहीं है तो फिर हम भगवान के अंश जो कहे जाते हैं और भगवान की शक्ति कहे जाते हैं तो ये कैसे अंश हैं हम तो जीव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जीव शक्ति विशिष्ट सेव तव जीवोश न तो एक शक्ति भगवान की और है जीव शक्ति हम उस जीव शक्ति के अंश हैं स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं क्योंकि भगवान वाले गुण हमारे पास नहीं और माया शक्ति के भी हम अंश नहीं हो सकते क्योंकि माया जड़ है हम चेतन हैं, तो जो तीसरी है भगवान की जीव शक्ति उस जीव शक्ति के अंश हैं हम इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है हाँ तो भगवान का अंश है ये जीव और भगवान आनंद स्वरूप है इसीलिए उन आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण ये जीव आनंद चाहता है उसी के लिए अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील है तो ये आनंद उस अंशी को प्राप्त करके ही प्राप्त होगा ऐसा वेद का चैलेंज है रसो वही सह रसग्व वायम लब्ध्वा नंदी भवति भगवान ही रस हैं आनंद हैं उनको ही प्राप्त करके कोई जीव आनंदमय हो सकता है और कोई उपाय नहीं इसीलिए भगवान को जानना होगा हम लोग वही पहुंच गए जहां हम पिछले प्रवचन के एंड में थे भगवान को जानना होगा तो भगवान को कैसे जाना जाएगा उसके लिए क्या तरकीब करनी होगी क्या उपाय करना होगा अब ये सब आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमत सदगुरु सरकार की